अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, उन सब के लिए मैं बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जा रहे हैं खुश और आबाद रहें, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे वजह अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो आज धुंध देखें दूर दूर तक आया हुआ है और हल्के हल्के बादल आए हुए हैं धुंध की तरह। आज सुबह से धूप हल्की हल्की निकली हुई थी, इतनी ज़्यादा आज नहीं थी, आज काफ़ी सारी ज़्यादा सर्दी थी। तो घर में मेहमान भी आने वाले हैं और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब के मेहमान आ चुके हैं हमारे घर में। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर आप लोगों को उनसे भी मिलवाती हूँ और खाना वगैरह भी उनके लिए हमने लिया हुआ है, तो वो भी अभी चल के उनको देते हैं, बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिगर आज देख सकते हैं तो माशाल्लाह से आज हमारे खास तौर पर तो बहुत बड़े यूट्यूबर आए हुए हैं जो अब अभी थोड़ी देर बाद उनसे मिलवाएंगे, तो उन्हीं के लिए ये सामान भी अम्मी ने शेख को कहा कि जाओ ले आओ, तो ये सारा सामान भी आ चुका है। तो देख, ये गोलगप्पे हैं, अभी गोलगप्पे बनाएंगे क्योंकि मैं बनाती हूं। हाँ, सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था ना, काफी लंबा सफर था, तो मैंने कहा पहले ना गोलगप्पे बना लेते हैं, वो खा लेंगे। तो फिर हमने ये चिकन भी लिया हुआ है, फिर खाना वगैरह भी बनाएंगे और कोल्ड ड्रिंक भी ली हुई है जो हम बोतल कहते हैं वो भी। तो ये मिसाला है फातमा, ऊपर से डालना है खाट, ठहरो फातमा, एक एक करके ना इधर रख लो, थोड़े 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 थोड़े। तो प्यार, तो देख सकते हैं हम इनके लिए गोलगप्पे ले आए हैं, तो खाना बाद में बनाएंगे। तो मेरी आप भी आ चुकी है, अम्मी ना बाहर बैठी है मेरी सासू माँ के पास, मैंने कहा है इसको अंदर आ जाएं। तो आप लोगों को पता है ना, जो फातिमा की दादी जान है ना, वो भी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उसकी कुछ तबीयत बेहतर है, तो वो उनके पास बाहर बैठ गई है, कहती है आप गोलगप्पे शुरू करें तो मैं भी आ जाऊंगी। तो ये मेरी सिस्टर है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फातिमा? फातिमा देखो, फातिमा के काम चेक करो, ये शेफ लेके आए, गोलगप्पे लेके आए, कहता है खाना ना थोड़ी देर बाद बनाएंगे, देर हो जाएगी ना खाना बनाने। खाना भी आया हुआ है, खाना भी वीडियो में बनाया जाए क्योंकि वो अभी शाम का आया है। हां, चार बजे के आए ना हम, पहले ये सरप्राइज आप खा लो, फिर शेफ जाएगा तुम्हें घर वहां छोड़ने के लिए। हां, शेफ जाएगा, शेफ माशाल्लाह से शेफ बड़ा हो गया है। हां, ये बात सही है, लेके आया हूं जो जाके छोड़ाऊंगा। हम नहीं जाने देंगे अभी आपको, दो दिन तो नहीं जाएंगे, एक दिन रहे फिर कल चले जाएंगे। इसी गांव में रहते थे, अब हम दूर से हो गए। पता है गोलगप्पे पैदल जाते थे आपके घर, आप से यार भी पैदल जाते थे हम। गोलगप्पे खाएंगे कैसे? मुझे तो नहीं, मैं गांव में खाते हैं। ओ मेरी गांव छोड़ो, फातिमा की पूछो गोलगप्पे की में कभी नहीं, गोल आवाज निकलती नहीं फातिमा दी, गोलगप्पे देखो। अभी आप देख सकते हैं मेहमानों के लिए मैं खाना बना रही हूँ। असल में ना हमें इंतजार ज्यादातर शहजाद बेटे का था, तो वो भी कह रहे थे कि हम दो तीन दिन में आएंगे, तो आज हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, तो वो तो नहीं आ सके। तो फिर अचानक से फोन पे बात हुई, कॉल आई, तो शुएब को कहा कि हमने ना उधर से आ रही हैं मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी, तो आकर शुएब को कहें हमें आकर ले जाए। तो शुएब गया था वहाँ से, ले आया था लोधरे से, आगे वहाँ उधर से वो आ गए थे लोधरे तक, फिर आगे शुएब जाकर ले आया था। तो अभी ना मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, मैं कहा तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर धुंध हो जाती है ना, इसीलिए। और सुबह से उन्होंने भी इतना ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था, जल्दी आ गए थे ना, तो इसलिए गोलगप्पे से तो कुछ नहीं होता ना, खाना तो खाना ही होता है ना, फिर इसीलिए। तो अभी ना अम्मी ना उधर मेरी जो सासू माँ है ना, उनके साथ बातें कर रही हैं, दोनों उनके साथ बैठी हुई है। आपको लोगों को पता है ना, वो मेरी दादी जो मेरी सासू माँ भी इधर कहीं जा तो नहीं सकती, तो जैसे ही मेरे घर में मेहमान आते हैं ना, तो वो भी हमारे साथ ही रहती है ना, इसीलिए तो फिर वो भी इधर आ जाती है बातचीत करने के लिए। अभी चलो ये आ गए हैं मेहमान, शहजाद भी, शहजाद बेटा और उनकी अम्मी भी दो तीन दिन बाद आ जाएंगे, फिर वो चक्कर लगा लेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो देख सकते हैं मेरे दोस्त आ गए हैं, ये भी मेरे दोस्त है,
तब है अपनी बहन की तरह, इनका भी मैं समझती हूँ। तो इनका घर नज़दीक है, इतना दूर भी नहीं है, तो मैंने कहा शुएब जान ले आओ। तो वो वैसे भी नानी अम्मी और नहीं यहाँ बैठते थे, तो नानी अम्मी तो इन्हीं के साथ रात को चली जाएगी, आप भी यहीं रहेगी। तो ये भी अभी शाम को अभी रात जब हो गए तारे, तो इनको मामा मेरा जो है जो ओ वो क्या सॉरी शुएब शुएब को मामा बुला लिया, मामा तो आया भी नहीं, मामा को बहुत ज़्यादा याद आती है, तो इसलिए शुएब को कहा है कि जाओ इनको शाम को बचाने का शेर निकालते हैं, ठीक है बचाऊँगा। तो कई बार बहुत गुड़िया को मिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी गुड़िया हमारे साथ थी, मैं तो बस कोई हो ना हो वो मैं उसे इतना मिस करती हूँ, रात को भी मैंने उसको फोन किया था, बहुत याद करती हूँ। फिर जाएंगे उनको बुलाऊंगी, अब जब डेट फिक्स कराना है कि उनको ज़रूर बुलाऊंगी। तो अगर गुड़िया वीडियो देख रही है तो गुड़िया मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, ये भी मिस कर, हाँ मैं भी मिस कर रही हूँ सच में, दोनों हाँ बहुत सच में मिस करते हैं, बहुत हमारी बहन की तरह है। तो माशाल्लाह से बैठा अभी उनका दोस्त को भी बुलाएंगे ऐसे ना, अभी मामू के शुएब आप ही के साथ है। आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा भी हो गया है, और मैंने किचन में अंदर वाले किचन में ना देखे लकड़ी सुबह के लिए बना के रख दी है, सुबह को ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो मेहमानों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना वगैरह खिला दिया है। और अभी ना मैं अम्मी उधर बैठी है और सिस्टर भी उधर बैठी है, तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए ना वो बोतल लेकर आई थी, शुएब लेकर आया था ना, तो वो लेकर आती हूँ। फिर चाय ना रात को 9 बजे बनाएंगे, क्योंकि अभी तो दूध जो पड़ा था ना वो तो खत्म हो गया है, तो शुएब अभी लेने गया है, तो कहते हैं अभी दूध चाय नहीं पिएंगे, क्योंकि रात को मैंने कहा चलो देर से चाय बना लूंगी। तो अभी देखे मैं इधर इस कमरे में आ गई हूँ, और सिस्टर भी इधर बैठी है, अम्मी भी, तो इधर मैं ना आज लोग इधर ही मेरे पास सोएंगे, अम्मी तो मेरे साथ इधर नहीं सो रही, क्योंकि वो कहती है ना मुकद्दस आई हुई है ना, तो वो मुकद्दस के घर जाएगी उसके साथ, तो सिस्टर मेरे साथ रहेगी इधर आके। पिछली बार की तरह जब शहजाद बेटा आया था ना वो तब नहीं खुल रही थी, तो मैंने सोचा आज भी ऐसे तो नहीं होगा। चार पर डालेंगे ना, फिर ये इधर फातिमा मैं उधर, वो दो बेटियां सो जाएंगी इधर आगे से, जो उधर ना बेटी मेरे लिए बिस्तर पड़े ना जो बेटी के लिए बनाए थे, एक बिस्तर निकाल लेंगे, अपने भी मेरे भी खुद के पड़े थे, क्योंकि मुझे पता है ना अब अम्मी अब दूर चले गए हैं ना, वो तो हमारे घर आया जाया करेंगे ना, अब इतनी जल्दी वापस तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए मैंने नए बिस्तर अपने भी खुद के एक बना के रखे हुए हैं। माशाल्लाह से रात का टाइम हो गया, बल्ले बाल के हम चीज़ खा रहे हैं, माशाल्लाह देखिए बहुत प्यारी चीज़ मुंदरी निकली है मेरी, खास तौर पे ये मुंदरी अंगूठी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, इस अंडे में से निकली है, इसमें से पकड़ी मुंदरी निकली है, दूसरे में से छाती आई, आज जुम्मे हम अभी भी बस सीखे थे, सॉरी कल जुम्मा है आज नहीं है, तो देखते हैं इसमें से क्या निकल गया है। ओ, आज गया, आज गया। इसे तोड़ेंगे तो फिर कुछ निकलेगा। वाह, ब्यूटीफुल, ये भी कोई मुंदरी है, वाह बहुत प्यारी है, मुंदरी होती है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, गुड है।